हमारे जवान दिन रात देश की सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं और आज यह संदेश देना आवश्यक है कि पूरा देश सशस्त्र झंडा दिवस के लिए धन एकत्रित करके उनके पीछे मजबूती से खड़ा है। साथ ही जिला प्रशासन ने हमेशा सैनिकों के परिवार का समर्थन किया है। ऐसे शब्दों में जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ने आज सैनिकों के परिवारों को आश्वासन दिया। जिलाधिकारी कार्यालय के बचत भवन हॉल में आयोजित सशस्त्र सेना झंडा दिवस शिलान्यास समारोह के अवसर पर वे बोल रहे थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, पुलिस उपायुक्त संदीप पाखले, अतिरिक्त कलेक्टर श्रीकांत फड़के, निवासी डिप्टी कलेक्टर रविंद्र खजानजी, जिला सैन्य अधिकारी पूर्व मेजर डॉक्टर इस अवसर पर शिल्पा खराबकर, जिला सूचना अधिकारी प्रवीण टेक, कल्याण आयोजक सत्येंद्र कुमार चौर आदि उपस्थित थे। ठाकरे ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के शिलान्यास का उद्घाटन किया। हम सेना के कारण सभी सुरक्षित हैं, उन्होंने कहा। सैनिक आतंकवाद, मानव और प्राकृतिक आपदाओं से लड़ रहे हैं, जिसमें सीमा रक्षक भी शामिल है। हम सभी को उनके बाद उनके परिवारों का आभार व्यक्त करने में उनकी मदद करनी चाहिए। बहादुर सैनिकों के परिवार के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों के पुनर्वसन के लिए हर साल 7 दिसंबर से झंडा दिवस शिलान्यास शुरू होता है। इसे अगले साल के नवंबर के अंत तक एकत्र किया जाता है। पिछले साल नागपुर डिवीजन के 1,83,57,000 रुपयों का फंड इकट्ठा किया गया था और 50% लक्ष्य हासिल किया गया था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस वर्ष फ्लैग डे शिलान्यास का लक्ष्य है यह दिखाना होगा कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए इनके परिवारों के साथ है। उन्होंने जिला स्तर पर इसकी योजना बनाने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला सैनिक अधिकारी डॉक्टर खड़बकर ने कहा कि युद्ध की स्थिति के साथ साथ विकलांग सैनिकों के परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है। झंडा दिवस निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों के बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए शहर में छात्रावासों की स्थापना की गई है। पिछले साल नागपुर जिले में 61,62,000 धनराशि एकत्रित की गई थी। पूर्व सैनिकों के सैनिक विधवाओं और वीर पत्नियों को पिछले साल एकत्र किए गए झंडा दिवस कोष से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता वितरित की गई। चिकित्सा उपचार के लिए 2,61,000, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के लिए 1,03,412, व्यावसायिक शिक्षा के लिए 36,95,973, छात्रवृत्ति के लिए 4,17,500, धर्मार्थ चलाने के लिए 2,62,000, बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए 9,10,000। उन्होंने कहा कि पदक धारकों को एसटी यात्रा रियायत जैसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 726 व्यक्तियों को 59,96,076 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पूर्व सैनिकों और बच्चों को विशेष सम्मान। पूर्व सैनिकों और बच्चों के सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि कार्यक्रम में जिला कलेक्टर के हाथों विशेष सम्मान दिया गया। इनमें अदिति देवने, हर्षल ताम्बतकर, लोकेश परते को 10वीं कक्षा में विशेष दक्षता प्रदान की गई, जबकि अपूर्व कड़ो और प्रथम कामले को जिला कलेक्टर द्वारा 10वीं कक्षा में विशेष दक्षता प्राप्त करने के लिए चेक और प्रशंसा पत्र भी दिए गए। पूर्व सैनिक अक्रम खान को खेलों में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। युद्ध की स्थिति के अलावा ड्यूटी की लाइन में मारे गए सैनिक की विधवाओं को 75,000 के चेक वितरित किए गए। इसमें संजीवनी मारुति एवले, नीलिमा प्रदीप गुरो, स्नेहा दुर्वेश बडोले, वैशाली अजय घोरपड़े, किशोर शेख को चेक वितरित किए गए। स्वर्गीय प्रशांत इरपेट की मां मैना इरपेट को एक चेक भी सौंपा गया था। नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे जिला सैनिक कार्यालय नए प्रशासनिक भवन नंबर 1 3 मंजिल नागपुर से संपर्क कर ध्वज कोष में योगदान करें। कार्यक्रम का संचालन अंजलि रत्नाकर ठाकरे ने किया तो कार्यक्रम का परिचयात्मक भाषण खड़बकर इन्होंने किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज नागपुर।